नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने, जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल 2024 में जो पेपर आपका 9 सितंबर से हुआ है, 9 सितंबर टू 26 सितंबर तक जितने भी पेपर हुए हैं, उन सब के हम एरर के क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, पूरा कलेक्शन मिल जाएगा आपको, सभी एरर के क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द टी हमने 1 to 5 डिस्कस कर चुके हैं, ये 6 क्वेश्चन है। द टी एट द एट दिस कैफे इज वेस्ट देन एट द कॉस्ट टस कैफे इन आवर ऑफिस। अब देखो, आपको दिख रहा है देन, दिस इज अ कॉम्परेटिव की। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बार होता है टी एच ए एन, ठीक है, एक होता है टी एच ई एन, ठीक है जी। अब जो टी एच ई एन होता है ना, ये कॉम्परेटिव डिग्री में यूज होता है, और जो टी एच ई एन बेसिकली ये कंजेंशन होता है। ये क्या होता है? ये कंजेंशन होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और जो टी एच ई एन है ये टाइम होता है, नाउ का पास्ट और फ्यूचर हम क्या बोलते हैं, देन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये टेन देन टाइम को बताता है, ये कंपेरिजन का यूज करते हैं कंजेंशन की तरह। ठीक है, तो अब देखिएगा कॉम्परेटिव डिग्री में, तो अब देखिएगा यहाँ क्या लग रहा है, बेस्ट बेस्ट नहीं आएगा, यहाँ बेटर आएगा। तो किस पार्ट में रहती भैया? ऑप्शन 4, ठीक है, क्योंकि बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर दे गो टू रेस्ट हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक अंटिल मिडनाइट। अब सोचने वाली बात है, देखो आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ होगा, वे रेस्टोरेंट गए होंगे। तो बेसिकली ये पास्ट की बात बता रहा है, जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो पास्ट का बता रहा है, जबकि गो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ गो नहीं होना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए। क्लियर है? तो किस पार्ट में रहता हमारा? ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए। इजी था है ना ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए। द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस। अब देखो, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखिएगा। हमें पता है जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं, जितने भी मॉडल वर्ब होती है, उनके सब वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर लगाया करो, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि हम सही डायरेक्शन सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, जिससे आपका जो फोबिया है ना, फोबिया, एग्जाम फोबिया, वो आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, अब लाइक जैसे कि सोलर है, लाइक यहाँ पे क्या है, यहाँ लाइक प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है, लाइक यहाँ प्रीपोजिशन की तरह ही हो रहा है। ठीक है, तो लाइक प्रीपोजिशन होती है, वो भी होती है। ओके, अब बिल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो गलती होगी ना यहाँ पे, बिल रिप्लेस्ड, तो क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने आ रहा है नेक्स्ट। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री सो बेटर एज गुलमार्ग कश्मीर। अब सोचने वाली बात है, देखो अगर आपको एक चीज पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको बताता हूँ। देखिएगा, जैसे पॉजिटिव डिग्री होती है, आपने डिग्री अगर नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो डिग्री होती है, डिग्री एग्जैक्ट का पार्ट होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री वो होती है जहाँ कोई कंपैरिजन नहीं होता, नो कंपैरिजन। क्लियर? ओके, जैसे मैंने बोला इंग्लिश इज बेटर, इंग्लिश इज इजियर लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इजियर लैंग्वेज। ऑलराइट, ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, कॉम्परेटिव में कंपैरिजन दो के बीच होता है। ठीक है, इंग्लिश इज इजियर देन हिंदी, गॉट इट? ये होता है कॉम्परेटिव। सुपरलेटिव में क्या होता है? वन वर्सेस ऑल। इंग्लिश इज द इजिएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दिस इज सुपरलेटिव, वन वर्सेस ऑल। ठीक है, जब पॉजिटिव की बात करते हैं ना, तो एक चीज देखिए और एक वो चर्चा कर लेते हैं आपके साथ हम। देखिए, पॉजिटिव का मतलब ही होता है एस प्लस, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, एस प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एस। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ही इज एज बेटर एज यू, ये गलत होगा, एज बेटर एज यू ये गलत होगा। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ आपको गुड ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ गुड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ यानी? ऑलराइट, चलो वापस आते हैं। तो एज बेटर एज और सो बेटर एज, ठीक है, दोनों का यूज होता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? गुड होना चाहिए था। किस पार्ट में रह रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में। आई होप आप समझ रहे होंगे चीजों को, और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ आपको समझाने का। नेक्स्ट देखिए, अवर फैमिली इज प्लानिंग, अवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर, वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क एंड एंजॉय लोकल कैसिनो। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोचो क्या होना चाहिए कि अवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप, ठीक है, टू यूरोप नेक्स्ट समर, वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क एंड एंजॉय लोकल कल्चर।
इसका आंसर आपको मुझे बताना पड़ेगा, अगर जिससे मुझे पता चलेगा कि आप पूरा वीडियो देख पा रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ओके, सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो जो आपको नेक्स्ट से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, धन्यवाद।